माधवपुर नाम के गांव में एक चुगलखोरों का मोहल्ला था, जहां पर उस मोहल्ले की सारी औरतें केवल एक दूसरे से चुगलियां ही करती रहती थी। वहीं चमका बहन अपनी बहू तमका के साथ रहती थी। तमका भी चमका बहन के बेटे बिरजू से नई नई शादी करके चुगलखोरों की मंडली का हिस्सा बन बैठती है। एक दिन की बात है, चमका के घर सुबह सुबह चमका की पड़ोसन तमतम आती है। तमतम जो कि बहुत ही मोटी सी होती है, वो अगर कहीं बैठ जाए तो उठने का मन ही ना बनाए। ऐसा ही कुछ होता है चमका के घर। अरे कोई है घर में? हाँ तमतम मौसी, आओ आओ। तुम्हारी सास कहाँ गई बहुरानी? बस मौसी बैठो, बुलाई लाते हैं। अच्छा सुनो बिटिया, ऐसे ही थोड़ी सी चाय पत्ती लेती आना। वो हम चाय पत्ती के लिए आए थे। वो कहाँ है ना, हमारे घर में मेहमान आए हैं और चाय पत्ती खत्म हो गई है। ठीक है मौसी, लेते आएंगे। माँ जी, ओ माँ जी, तमतम मौसी आई है, जरा बाहर आकर मिल तो लो। हाँ हाँ अभी आई। तभी तमका रसोई से चाय पत्ती लाकर तमतम मौसी को पकड़ाती है। लो मौसी चाय पत्ती। शुक्रिया बिटिया। कुछ चाय कॉफी पियोगी बहन? तमका बीच में टोकने ही जा रही होती है कि तभी तमतम, अरे हाँ एक कॉफी पिला ही दो, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। जा बहू, मौसी के लिए कॉफी बना ला। लेकिन माँ जी, तमका को बीच में टोकते हुए, लेकिन वेकिन बाद में, पहले जा बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। ये तमतम मोटी कितनी चैप्टर है, एक तो 50 ग्राम चाय पत्ती भी ले गई, ऊपर से 10 ग्राम कॉफी पाउडर, 15 ग्राम चीनी और 15 ml दूध भी पी कर जाएगी। वही बाहर हॉल में, अरे चमका तेरी बहू तमका तो बड़े चलते पुर्जे की है। क्यों क्या कहा मेरी बहू ने? अरे जब तूने इसकी मुंह दिखाई की थी ना, तो ये मेरी बहू टुन्नी से कह रही थी कि कितनी मुफत खोर सास है मेरी। एक तो मुझे विवाह में कुछ दिया नहीं सास ने, ऊपर से लेने के समय मेरे घर वालों से मुंह खोलकर दहेज की मांग की थी, और मेरे यहाँ आने के बाद मेरी मुंह दिखाई के सारे शगुन भी हजम कर गई मेरी सास। वो तो एक नंबर की डायन है, डायन। क्या ऐसा कहा मेरी बहू ने? हाँ ऐसा ही कहा, और भी बहुत बुरा बुरा कह रही थी वो तेरे बारे में। अरे उस कलमोही कुल्टा के घर वालों ने दहेज में दिया ही क्या है, वही एक पुरानी खटारा स्कूटर, जिसको जितना चलाओ उससे ज्यादा तो उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। ऊपर से इस बेढंगी को मेरे गले में बांध दिया सो अलग। अब क्या कर सकती हो तुम बहन, वैसे कॉफी नहीं आई अभी तक, बहुत देर हो गई बहू को अंदर गए हुए। हाँ हाँ अपनी मुई माँ से फोन पर चिपक गई होगी नास पीटी, रुक बुलाती हूँ इसे। अरे ओ तमका कली, कॉफी बनी या नहीं अभी तक? ये आज माँ जी को क्या हो गया है जो ऐसे बोल रही हैं? हाँ माँ जी बन गई, ला रही हूँ। ये लीजिए मौसी कॉफी, और माँ जी आपकी चाय। शुक्रिया बिटिया। तमका हल्का सा मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। सुनो बहन, अब अगर ये उल्टा अगर कुछ बोले ना, तो मुझे जरूर बताना, तब मैं इसके अकल की नस ढीली करती हूँ। हाँ बहन, क्यों नहीं क्यों नहीं। तभी तमतम की बहू टुन्नी वहाँ आ जाती है। ओ मोटकी सासू माँ, आप चाय पत्ती लेने आई थी या बनाने? वो सारे मेहमान आकर चले भी गए, कुल 2 घंटे हो गए आपको यहाँ पधारे। अब आपको यहाँ से चलना भी है या यही बिस्तर लगा कर सोना है? टुन्नी की बातें सुन चमका हंसने लगती है। अब जाओ मोटकी दीदी, वरना टुन्नी तुमको चोच मार मार कर घायल कर देगी। तो बहन शाम को मिलते हैं मोहल्ले की पंचायत में। इतना कहकर टमटम टुन्नी के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं टमका अपने कमरे से बाहर आती है। सासू माँ, मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ,
तब तक आप दाल चढ़ा दो और आटा गूंद देना, फिर मैं आकर बाकी का खाना बना लूंगी। कलमोही, करम जली शर्म नहीं आती तुझे? सास को काम बताकर कामचोर बाजार जा रही है। मेरी ही करम फूटे जो तुझे मैं इस घर की बहू बना लाई। बुढ़िया, जब तेरे करम ही फूटे थे तो करम के मटके पर पेंदा लगा लेना था ना, क्यों फूटे करम से मुझे अपनी बहू बना लाई? पहले तो बुढ़िया होगी तेरी अम्मा, मैं तो आज भी जवान हूँ, बाहर निकलूं तो आज भी 10 फिसल पड़े। और दूसरी बात, अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, वरना तेरी इस घोड़े की रफ्तार वाली जुबान खींच कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी बेअकल? इस तरह दोनों सास बहू की लड़ाई सुनकर पड़ोस ने चमका के घर के आगे भीड़ लगा लेती है। कुछ तो चमका की खिड़की में दुबक कर अपने अपने मोबाइल में वीडियोस भी बनाने लगती हैं। वही चमका और तमका। बुढ़िया, बेअकल की घोड़ी होगी तेरी अम्मा, सास समझकर सर पर क्या बैठा लिया तुझे, तूने तो नाक में ही दम कर रखा है अब। देख रही बेहूदी, अब ज्यादा जुबान को चाबुक से तेज ना चला, वरना वार करूंगी तो पानी भी नहीं मांगेगी। चुप तू बुढ़िया, देख रहे हैं आप चुगलखोर मोहल्ले वाली औरतें, देखो मेरी जालिम सास इसी तरह मुझ पर जुल्म ढाती है। तभी टुन्नी बीच में टपक पड़ती है। क्यों री तमका, कल तक तो अपनी सास के बड़े गुणगान गा रही थी कि तेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है तेरा, इतना तक कि तेरी शादी में उसने 1 रुपए का दहेज तक नहीं मांगा, ऊपर से तू आज कह रही है कि ये जालिम है, आतंकी है। वारे जमाना, यहाँ तो चिट को पट और पट को चिट करके देरी नहीं लगती। टुन्नी की बातें सुनकर सभी मोहल्ले वाले तमका का मजाक बनाने लगते हैं। अरे चारे टुन्नी, क्यों मेरे और मेरी सास के झगड़े में पड़कर दुश्मनी मोल ले रही है मेरे से? अब फिर क्या था, चमका को भी अब सारी बात समझ में आ जाती है कि टुन्नी से तमका ने क्या कहा और तमतम ने उसे क्या बताया। वही चमका बोल पड़ती है, अरे ओ चुगल खोरों की टोली, चले जाओ यहाँ से, तमाशा देख लिया हो तुम सब ने तो। उनमें से एक औरत बोल पड़ती है, अरे ओ चमका चाची, एक तो मोहल्ले में औरतों को चुगली करने का टॉपिक तुम देती हो, ऊपर से भगा हमें रही हो। टॉपिक, कैसा टॉपिक? ओ मुन्नी बहुरानी, ये मैं और मेरी बहू तो प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी टमटम चौंकते हुए पूछती है, प्रैक्टिस? प्रैक्टिस काहे की प्रैक्टिस, मैंने तो सोचा था कि अब इन दोनों में खूब झगड़ा होगा, लेकिन ये क्या, टुन्नी ने तो सारा खेल ही खराब कर दिया, ऊपर से ये चमका एक और नई मुसीबत। अरे कुछ दिनों बाद स्टार इस चैनल पर चुगली सास बहू की सीरीज रिलीज होने वाली है ना, तो उसका ऑडिशन चालू होने वाला है, हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ट्राई ही कर ले, तो बस यही प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना बहू? अब क्या हो गया इस बुढ़िया को, लेकिन जो भी है अच्छा ही है, कम से कम मोहल्ले में बेइज्जती होने से तो बच गए। हाँ सासू माँ, तो चुगलखोर बहनों कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अरे वाह, बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो तुम दोनों सास बहू, हम सबको तो लगा सचमुच तुम झगड़ा कर रही हो, इसलिए हमने तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। हाँ वही तो, हम भी यही सोचे कि ये झगड़ रही है। चलो अब सब अपने अपने घर जाओ, हमारे आराम का समय हो गया है। हाँ अब टांग फैलाकर पसारना है इसको। तुमने कुछ कहा क्या टमटम? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ भला, चलो ठीक है फिर बाय। ऐसा कहकर चमका दरवाजा बंद कर देती है। आखिर आप झगड़ते झगड़ते अचानक ऐसे कैसे पलट गई, जैसे कोई आत्मा आ गई हो आपके अंदर? आत्मा नहीं बहू, सच्चाई सामने आ गई। कैसी सच्चाई सासू माँ? सुबह जब तू कॉफी लेने गई थी टमटम के लिए, तब उसने मुझे तेरे खिलाफ बहुत भड़काया था, जिस कारण अभी तेरा मेरा इतना झगड़ा हो गया। लेकिन जब मैंने अभी टुन्नी के मुंह से बात बात में सच्चाई सुनी, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं सासू माँ। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय मोहल्ले में टमटम और चंपा चुगलियां कर रही होती है।
कहो टमटम बहू, आज टमटमाई हुई दिखाई दे रही हो, का कौनू कुछ कह दिस का? नहीं रे चंपा बहन, हमको कोई कुछ बोले उसकी इतनी मजाल, हम उसके बोलने से पहले जुबान ना खींच ले उसकी। सही कह रही हो, लेकिन का हुआ है तुमको आज? अरे चंपा बहन का बताएं, सुबह सुबह इतना अच्छा खासा झगड़ा लगाकर आए थे चमका के घर, लेकिन मेरी इस कलमुही निठल्ली बहू टुन्नी ने जाकर चोच मार दी और सब सच्चाई उगल दी। अरे बस इतनी सी बात, कुछ दिन बाद फिर से आग लगा देना कौन सी बड़ी बात है? हाँ तुमको कौन सी बड़ी बात। वहीं दूसरी तरफ टुन्नी और मुन्नी। अरे टुन्नी एक बात तो बताना। हाँ पूछ ना। ये तेरी सास से तू परेशान नहीं होती क्या? सास? ये मेरी सास? सास नहीं चुगलखोर बंदरिया है। अब क्या बताएं हम लोगों का, घर जोड़ते हैं और ये डायन तोड़ने में लगी रहती है, हम तो इससे तंग आ गए हैं। हाँ तू सही कह रही है, मेरी सास भी तेरी सास की संगत में रहकर चंडालनी बन गई है, 24 घंटे कलिका देवी बनकर तांडव करती है, कुछ बोलो तो पति से आग लगाने की धमकी देती है। इसके आगे कोई कुछ बोलता इससे पहले तमका वहाँ पहुँच जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, आ बैठ, सास की चुगली बताई जा रही है और क्या, इसमें हम सास की बुराइयाँ कर रहे हैं और सास हमारी बुराइयाँ कर रही है। ये तो यूनिवर्सल है। अच्छा एक बात तो बता तमका, आज तुम दोनों सच में लड़ रही थी या नाटक ही था? टमटम मौसी की करतूत है सब, मुझे लगा ही था माँ जी ही करेंगी ऐसा। वैसे मुन्नी तो सुबह कह रही थी तूने तमका और चमका चाची का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है, उसको डिलीट कर दे अब। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। तभी मुन्नी सोशल मीडिया पर जाकर देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। क्या हुआ? अब डिलीट कर, और कितना मजाक बनवाएगी मेरा और मेरी सास का। ला मैं डिलीट करूं, मुंह का ढक्कन खोल कर रखा है। टुन्नी मुन्नी के हाथ से मोबाइल ले लेती है और देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। तमका और चमका की वीडियो पर लाखों लाइक्स और करोड़ों में व्यूज होते हैं और सब जगह उन्हीं दोनों के ही चर्चे हो रहे होते हैं। तमका जैसे ही ये देखती है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है, वहीं उसकी सास भी खुशी से पागल हो जाती है। वहीं उनके घर के सामने एक कार आके रुकती है। क्या चमका जी हैं? जी हाँ। बधाई हो आपको और आपकी बहू को, हमारी सीरीज चुगली सास बहू में लीड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है आपको। क्या सच में? शुक्रिया तमतम मौसी हम दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। हाँ तमतम अब तू यहीं बैठकर चुगली बतला और हम टीवी पर। तमतम उदास होकर रोने लगती है और बाकी मोहल्ले की औरतें हंसने लगती है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।